के कैंसर जैसी घातक बीमारी का उपचार करने वाले एक अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएमएचओ को दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल इंदौर के चितावत क्षेत्र स्थित देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में 50 बेड मरीज के लिए लगाए गए हैं। वहीं दावा किया जाता है कि यहां अन्य अस्पतालों की तुलना में मरीजों का बेहतर इलाज हो। इस मामले में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय हाडिया ने फोन पर संपर्क करते हुए उनके अस्पताल को सही करार दिया। देखिए, इसमें हमको ये सूचना मिली थी कि वहां पर बिना लाइसेंस के, बिना पंजीयन के वो अस्पताल चल रहा है, और वहां हम लोगों ने टीम भी भेजी थी जिसमें होम्योपैथी से इलाज कराया जाना बताया गया, लेकिन कई सारे MBBS डॉक्टर भी जो थे वहाँ पर इलाज करते हुए पाए गए, तो उसका प्रतिवेदन सीएमएचओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वहीं संबंधित नियमों के उल्लंघन मामले में फिलहाल जांच जारी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।